मार्केट में लिथियम बैटरियों का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और काफी कंपनियां मार्केट में आपको देखने को मिलेगी जिनकी लिथियम बैटरी अभी मार्केट में आ गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्सस कंपनी की लिथियम बैटरियों के बारे में, क्योंकि नेक्सस कंपनी के अंदर जो लिथियम बैटरियां आपको मिलती है वो आप अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर के लिए भी लिथियम बैटरियां उनसे परचेज कर सकते हैं, इसलिए आज के प्राइस के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक वाइड रेंज के अंदर और अलग अलग कैपेसिटी के अंदर आपको लिथियम बैटरियां नेक्सस कंपनी के अंदर देखने को मिलती है और लिथियम बैटरियों के कितने फायदे होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। लिथियम बैटरियों कोई भी मेंटेनेंस आपको नहीं करनी पड़ती है, आपको सिर्फ एक बार लगानी है और भूल जाना है, जितने दिन चलती है आपको चलाना है। नेक्सस कंपनी वैसे तो आपको अपनी लिथियम बैटरियों के ऊपर 15 साल की वारंटी देती है, जिसमें पहले 3 साल में फुली रिप्लेसमेंट की वारंटी है और अगले 15 साल के अंदर अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो 50% ऑन MRP पर आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इफिशियंसी भी काफी हाई रहती है, आप लिथियम बैटरियों काफी हाई से चार्ज या डिस्चार्ज भी कर सकते हैं लेड एसिड के मुकाबले। यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें तो जो नेक्सस कंपनी है इसके अंदर लिथियम बैटरी आती है 12 वोल्ट और 100 AH की, जिसे आप 35 एम्पीयर से चार्ज कर सकते हैं और 100 एम्पीयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट तक का भी लोड अगर आप इस बैटरी पर चलाएंगे तो आपको पूरा 100 AH के अनुसार ही बैकअप मिलेगा। दूसरी तरफ बात करें लेड एसिड बैटरी की, अगर 150 AH की बैटरी अगर आपके पास में है और C10 रेटिंग की भी है तब भी आप उसे 15 एम्पीयर से चार्ज या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आप उसे 15 एम्पीयर से ज्यादा से डिस्चार्ज करेंगे तो आपको 150 AH के अनुसार बैकअप नहीं मिलेगा और लेड एसिड बैटरी की इफिशियंसी वैसे भी पहले ही कम होती है और अगर आप ज्यादा हाई करंट से उसे डिस्चार्ज करते हैं तो उसका बैकअप और भी कम रह जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको लिथियम बैटरी के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और जो लेड एसिड बैटरी है उसके ऊपर आपको 5 साल तक की वारंटी मिलती है और वो नॉर्मली 5 से 7 साल ही चलती है अगर आप उसे अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ आपको लिथियम बैटरी को कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, काफी छोटी होती है, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इनकी बैटरियों की। तो नेक्सस कंपनी के अंदर जो सबसे छोटी बैटरी आती है वो 24 AH और 51 वोल्ट की आती है, लगभग 1 किलोवाट की पावर के साथ में लिथियम बैटरी ये आती है और 1 किलोवाट के सिस्टम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। अगर आपके पास में 2 बैटरी का इन्वर्टर है देन आप इस बैटरी के साथ में जा सकते हैं और 1 किलोवाट के सेट के लिए ये बैटरी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस AH वैल्यू है वो काफी कम दी गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो इसकी वोल्टेज है वो 51 वोल्ट दी गई है, जो जनरली आपको देखने को मिलता है वो 12 वोल्ट और 150 AH की देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर इनकी इफिशियंसी हाई है इसीलिए यहाँ पर जो AH वैल्यू है वो कम हो गई है और इन्होंने वोल्टेज को हाई कर दिया है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप अपनी जरूरत के अनुसार भी चेंज करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में सिंगल बैटरी का ही इन्वर्टर है देन आप 12 वोल्ट की भी बैटरी ले सकते हैं, जिसकी AH वैल्यू आप 150 भी करवा सकते हैं और जो इसकी प्राइस है वो लगभग 29,000 रुपए है, यानी कि आप एक 150 AH लेड एसिड बैटरी को लगाते हैं उसकी जगह इस बैटरी को लगाएंगे तो आपको 29,000 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि इससे हाफ प्राइस में ही आपको लेड एसिड बैटरी मिल जाती है, लेकिन उसके अपने नुकसान होते हैं, उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। दूसरी तरफ लिथियम बैटरी को आपको मेंटेन नहीं करना होता है और इसके ऊपर 15 साल की आपको वारंटी भी मिलती है। इससे अगली इनकी बैटरी है 30 AH और 51 वोल्ट की, ये बैटरी आप 1.5 किलोवाट के सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं और ये आपको मिलेगी लगभग 36,000 रुपए में। तो अगर आपने पहले डबल बैटरी का सेटअप लगाया हुआ है और 1.5 किलोवाट के पैनल भी लगाए हुए हैं तो आप अब उसे लिथियम बैटरी के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैटरी बिल्कुल सही रहने वाली है। इससे अगली इनकी बैटरी 36 AH और 51 वोल्ट की, ये भी आप 1.5 से 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं और ये आपको मिलेगी लगभग 44,000 रुपए में। और ये सभी बैटरियां आप ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं या इनके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं। इससे अगली इनकी बैटरी है 42 AH और 51 वोल्ट की, और ये भी 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए ही सही रहेगी। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 51 वोल्ट है वो आपके इन्वर्टर के हिसाब से नहीं है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने इन्वर्टर के हिसाब से। अगर आपके पास में 24 वोल्ट का इन्वर्टर है या 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर जो कि 48 वोल्ट का होता है तो उसी हिसाब से आप इन्हें भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। इससे अगली बैटरी है इनकी 48 AH की, और ये आप 2.5 किलोवाट के सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं और ये आपको मिलेगी 58,000 रुपए में। इससे अगली इनकी बैटरी है 100 AH और 12 वोल्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो AH है वो 100 हो गए हैं लेकिन जो वोल्टेज है वो 12 हो गए हैं। ये सिंगल बैटरी के इन्वर्टर वालों के लिए है और ये आपको बैटरी 29,000 रुपए में मिलती है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। और लेड एसिड की जो 150 AH की बैटरी होती है उसके साथ हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। काफी लोगों का सवाल होता है कि वहां पर हमें 150 AH मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 100 AH मिल रहा है, तो जो इसकी इफिशियंसी है उस 150 AH वाली से भी ज्यादा है। तो इसमें आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये जो बैटरी है लिथियम वाली ये उससे अच्छा ही परफॉर्म करेगी। और इससे अगली इनकी बैटरी है 100 AH और 24 वोल्ट की, तो जिसके पास में डबल बैटरी का इन्वर्टर है और 150 AH की 2 बैटरियां उन्होंने लगाई हुई है, अब वो इस एक बैटरी को लगाकर भी अपना काम चला सकता है और इसका बैकअप भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा।
देगा। और ये बैटरी आपको मिलती है लगभग 60,000 रुपए में। और इनकी अगली बैटरी है 100 AH और 48 वोल्ट की। और जिसके पास में चार बैटरी का सेटअप है और 150 AH की चार बैटरियां लगा रखी है, वो इस बैटरी का उपयोग कर सकता है। ये आपको मिलेगी 1,13,000 के अराउंड। और जितनी भी बैटरियां बताई है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट जो चार्ज है वो अलग रहेगा, तो वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। तो आप कंपनी से पता कर सकते हैं कि अगर आप उसे खरीदते हैं और आपके यहाँ पर शिपिंग चार्ज वो कितना लेगी। और यहाँ पर इसके अलावा अगर आपका सिस्टम है 8 बैटरियों का, 10 बैटरियों का, तब भी आप अपनी जरूरत के अनुसार बैटरियों को कस्टमाइज करवा सकते हैं, वोल्टेज को चेंज करवा कर अपने इन्वर्टर के अनुसार इनसे बैटरी खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो थी लिथियम बैटरी के प्राइस के बारे में। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।